हेलो एवरीवन वेलकम टू डिफेंस स्टडीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सी ए एग्जाम 2012 में जितने भी आपसे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम अराउंड 20 मार्क्स के आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती थी बट देर आफ्टर 2013 थाउजेंड थर्टीन देर आज स्लाइट चेंज इन द पैटर्न ऑफ सी एग्जामिनेशन उसके बाद आपसे ट्वेंटी मार्क्स की ग्रामर पूछी जा चुकी है तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है लास्ट टू ईयर से जब से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसकी जा रही है पहले क्या था 300 मार्क्स से नीचे ही कट ऑफ रहती थी बट अभी क्या है आपकी वैकेंसीज कम हो रही है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पहले सी के रिगार्डिंग काफी कैंडिडेट अवेयर नहीं थे दे मेनली फोकस्ड ऑन सी डी एस एंड एफकेट एग्जामिनेशन बट सी ए पी एफ एग्जामिनेशन भी उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जो कि आप आर्म फोर्सेज में जा सकते हैं तो कॉम्पिटिशन कट थ्रोट हो चुका है कोई भी एस्पेक्ट आप इसका नेगलेक्ट नहीं करते कर सकते इसकी प्रिपरेशन में तो सी ए पी एफ ग्रामर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर फोकस करना पड़ेगा तो पहला क्वेश्चन अगर हम करें कि डू एज डायरेक्टेड आपको एक डायरेक्शन दी गई होगी उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको रीराइट करना है सेंटेंसेस का आप सिर्फ क्वेश्चन में उसको ठीक नहीं कर सकते पूरा रीराइट करना पड़ेगा जब आपको मार्क्स मिलेंगे तो क्वेश्चन है ही वॉज वेरी टायर्ड फुल स्टॉप ही डिड नॉट गो आउट फॉर अ वॉक डायरेक्शन दी गई है आपको कंबाइन यूजिंग टू एंड टू तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का आप सब क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी ये सात या आठ बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेम कॉन्सेप्ट से कोरिलेटिव कंजंक्शन से जैसे नीदर नोर ईदर ओर ठीक है तो टू प्लस टू जब भी आप इस तरह के कंजंक्शन यूज़ करते हैं कोरिलेटिव ये आपका नेगेटिव मीनिंग के लिए हमेशा यूज़ होता है जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड ही डिड नॉट गो आउट फॉर अ वॉक तो ये नेगेटिव मीनिंग है दो सेंटेंसेस को दो सेंटेंसेस को जब भी आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो इस को रिलेटिव कन्जंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है तो इस तरह से जैसे चेंज किया है ही वॉज टू टायर्ड अब टू टायर्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक सो टू गो ये है एक इन्फिनिटी ठीक है टू गो आउट फॉर अ वॉक तो ये आपका नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है जैसे मैंने बताया था कि ये नेगेटिव मीनिंग के लिए ही ये कंजंक्शन है टू टू गो आउट फॉर अ वॉक जब भी आपको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है वहां आप सो so दैट का यूज कीजिए ठीक है सेकेंड इज एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव्ड द प्रोग्राम स्टार्टेड आपको रीराइट करना है डायरेक्शन है कि रीराइट द सेंटेंस स्टार्टिंग विद नो सुनर देखिए रिपीटिशन है 2013 में भी पूछा था और उससे अगले जितने भी एग्जाम हैं फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन उनमें हमेशा ये कॉन्सेप्ट पूछा गया है आपका इन्वर्टेड फॉर्म का इन्वर्टेड फॉर्म आपका क्या है जब भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब से स्टार्टिंग की करने की आपको डायरेक्शन दी जाए जब भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा तो आपको इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूज करना है तो एडवर्ब ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देर आफ्टर मेन वर्ब देन सब्जेक्ट तो नो no सूनर क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम प्लस एडवर्ब ऑफ कंपेरिजन ठीक है आपने एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया देर आफ्टर आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है गिवन क्वेश्चन में क्या टेंस है तो इसमें आपको मेन वर्ब फाइंड आउट करनी है जो कि है अराइव्ड अराइव्ड आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उस हिसाब से आपको क्या यूज करना होगा डिड 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 की form, do की फॉर्म फॉर्म डू तो पास्ट इंडेफिनिट है वहां पे आप लिखेंगे द चीफ गेस्ट अराइव तो चीफ गेस्ट क्या है सब्जेक्ट जो कि मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब ये आ गई यहां पे उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखनी है तो मेन वर्ब क्या है अराइव मेन वर्ब आपको बेस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी क्योंकि डू do, डस और डिड के साथ वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आती है देर आफ्टर यू विल राइट देन द गवर्नमेंट द प्रोग्राम स्टार्टेड तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं थर्ड इज हैड आई नोन यू वर नॉट कमिंग तो ये आपका सेंटेंस है इनकम्प्लीट है आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस अगर आपको पता नहीं है ये किस कॉन्सेप्ट का आपसे पूछा गया है तो आप इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे इसमें कि वी हैव टू फिल ओनली वन वर्ड आप इसमें एक वर्ड फिल करके सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते आपको सेंटेंस कंप्लीशन के लिए मांगा गया है आपको इसके एडिशन में स्टेटमेंट लिखनी है एडिशन टू द स्टेटमेंट किस तरह से लिख सकते हैं तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये एक सब्जेंटिव मूड का क्वेश्चन है इसका मतलब है इट इज़ अ वर्क फॉर्म विच एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करती है अन रियालिटीज़ इमेजिनेशन इम प्रोबिलिटीज़ जब भी ये तीन तरह के आपसे जो एक्शन हैं वो सेंटेंस में दिए गए हों जैसे अन रियालिटीज़ इमेजिनेशन इन इम प्रबेबिलिटीज़ तो ये सब्जेंटिव मूड का ही क्वेश्चन है दो तरह की इसमें कंडीशन है जैसे अगर आपकी इमेजिनेशन क्या है प्रेजेंट टाइम की है देन यू नीड टू यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म और दूसरा है इफ आवर इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू पास्ट टाइम देन यूज हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट सब्जेक्टेड मूड के लिए जैसे मैं आपको बताऊं अगर कोई कंडीशन पास्ट की है आपकी और उसका रिजल्ट भी पास्ट में आ गया है ठीक है तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है जैसे पास्ट कंडीशन है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका रिजल्ट भी पास्ट में आ गया था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकिन साथ ही में इसकी एक दूसरी कंडीशन क्या है कि कंडीशन आपकी पास्ट की है लेकिन उसका रिजल्ट आपका प्रेजेंट में आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आप दोनों ही चीज़ें यूज कर सकते हैं प्रेजेंट सेंटेंस में जैसे हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग यहां पर मैंने यूज़ किया है पास्ट रिजल्ट रिजल्ट भी मैंने इसमें पास्ट में दे दिया तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसका मतलब क्या होगा मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग ये पास्ट की कंडीशन अगर मुझे पता होता तुम नहीं आओगे आई वुड वुड की वुड प्लस वर्ब

जिससे बात कर रहे हो आपके सामने खड़ा है ठीक है उससे आप बात कर रहे हैं कि अगर मुझे पता होता हैड आई नोन यू आर नॉट कमिंग आई वुड नॉट बुक द ट्रेन टिकट तो ये प्रेजेंट रिजल्ट के लिए है तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हैं फोर्थ है इट इज वेरी ह्यूमिड इट इज बेटर टू वियर कोटन डायरेक्शन दी है आपको कंबाइन दीज सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद कंसीडरिंग कंसीडरिंग आपकी एक प्रोपोजिशन है जैसे आप जिरंट वीर ऐसे यूज कर सकते हैं तो कंसीडरिंग ह्यूमिडिटी इट इज बेटर टू वियर कॉटन तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका ये वाली जो सेंटेंस है दो सेंटेंस में दिए गए हैं इट इज़ वेरी ह्यूमिड इट इज बेटर टू वियर कोटेंस तो कई बार आपको इस तरह से आप तो बोल दिया इस बार कि आपको डायरेक्शन दी गई है आपको ये वाला वर्ड यूज़ करके सिर्फ क्या करना है एक दो सेंटेंस को कनेक्ट करना है लेकिन कई बार जो 2018-19 में सी एग्जाम में हमने देखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि यू नीड टू कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेस इन टू अनदर वन सिंपल सेंटेंस तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है आप प्रिपोजिशन फेज प्रपोजिशन फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशन फ्रेज का मतलब आप एक प्रपोजिशन यूज़ कीजिए उसके बाद एक नाउन तो आपका जो पहले वाला जो सेंटेंस है उसका मीनिंग इसी से कन्वे हो रहा है जैसे कंसिडरिंग ह्यूमिडिटी इट इज़ बेटर टू वीअर कोटन्स तो ये एक तरीका है दो सेंटेंसेस को दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने का ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 या उन्नीस बीस के दौरान सी एग्जाम में तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट सेम है पूछने का तरीका बदल रहा है सी एग्जाम में जैसे कंबाइन दीज सेंटेंसेज स्टार्टिंग विथ कंसिडरिंग अगर इसकी जगह ये लिखा होता कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेज इंटू वन सिंपल सेंटेंस तो यही तरीका रहता आप प्रपोजिशन फ्रेज उसका बना के यूज कर सकते थे फिफ्थ इज द मेजन इज बिल्डिंग द वॉल आपको वॉइस चेंज करनी है ये आपको डायरेक्शन दी गई है चेंज करने से पहले क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सी एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है तो इसमें साफ साफ दिख रही है कि एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई एन सी यूज हो रही है ठीक है द मेसन इज बिल्डिंग तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी बी प्लस वर्ग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई ये क्या आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है ठीक है एक्टिव का टेंस है तो आपको दिख रहा है आपको ये पैसिव पैसिव में 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 बनाना है तो में बनाते वक्त आपकी बी की फॉर्म क्या चेंज आएगा बी की फॉर्म में आएगा, आएगा आपके is, जो आपकी ऑब्जलरी वर्ब है वो सेम रहेगी देर आफ्टर आपको कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए ये, ये यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सो जो आपका ऑब्जेक्ट है जो गिवन क्वेश्चन में वो आपका क्या बनेगा सब्जेक्ट द वॉल इज बींग बिल्ट जो आपका बिल्डिंग है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा बाय द मेजन जो उसका जो मिस्त्री बोलते हैं हम देशी भाषा में तो बाय द मेजन जो आपका सब्जेक्ट है इसमें वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सिक्स इज वाई कूडेंट यू कंप्लीट द वर्क इन टाइम तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपको वॉइस चेंज करनी है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वॉइस चेंज करनी है पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है गिवन सेंटेंस में तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें बी की फॉर्म कहीं नहीं दिख रही आपको पैसिव वॉइस में क्या होता है बी की फॉर्म होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा कोई स्ट्रक्चर मुझे दिख नहीं रहा तो इट्स अ एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है बट मेक श्योर आपका वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही रहना चाहिए तो किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं जैसे वाई कुडंट कुड यू कंप्लीट द वर्क तो द वर्क आपका क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है तो द वर्क को ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है मैंने लिख लिया द वर्क उसके बाद आपको पता है आपका इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट से पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी पड़ेगी तो मैंने कुड का यूज़ कर लिया क्योंकि कुड ही इसमें ऑक्सिलरी वर्ब थी उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है नेगेटिव के लिए मैंने नॉट यूज़ कर लिया अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि वाई कुड नॉट कुड के बाद हम नॉट क्या लगा सकते हैं नहीं लगा सकते आप नॉट आपका एडवर्ब होता है जो कि आपका मेन वर्ब के साथ ही लगता है तो नॉट इज एन एडवर्ब जो कि आपका मेन वर्ब के साथ ही लगेगा मेन वर्ब यहां पे है इसके साथ ही यूज करना पड़ेगा अगर आप कुड नोट यहां लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगा वाई कुडन द वर्क नॉट बी कंप्लीटेड इन टाइम बाय यू सेवंथ इज आई एडमायर हर फुल स्टॉप आई कैन नॉट अग्री विद एवरीथिंग शी डज आपको कंबाइन करना है सेंटेंस यूजिंग मच दो सेंटेंस है फिर दोबारा से सिंपल सेंटेंस है दो दो सिंपल सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है मच कंजंक्शन का यूज करके ठीक है मच कंजंक्शन नहीं है मच एक एडवर्ब है बट मच को इस तरह से यूज करना है कि आपके दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाए तो आई एडमायर हर बट नॉट एज मच आई एग्री विद एवरीथिंग शी डस तो ये एक नेगेटिव मीनिंग भी इसका कन्वे कर रहा है साथ के साथ जो आई कैन नॉट अग्री विद एवरीथिंग शी डस आई एडमायर हर बट नॉट एज मच आई एग्री विद एवरीथिंग शी डस एट्थ इज द रीजन वाई शी इज एबसेंट टूडे इज बिकॉज हर हजबेंड इज इल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक ही बार पूछा गया है और इसके बाद ये सी पी एफ एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया 2012 में ये पूछा गया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये है जब भी आप बिकॉज कंजंक्शन लिखते हैं बिकॉज एक कंजंक्शन भी है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है आपका आई एम लेट बिकॉज आई कुछ भी uh, मिल सकते सकते कि आई आई कुड नॉट कैच माई बस तो बस लेट थी या बिकॉज आई एम लेट बिकॉज द बस वॉज लेट बिकॉज द बस वॉज नॉट ऑन टाइम तो बिकॉज आपका क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन है रीजन बताता है तो रीजन देखिए द रीजन वाई शी इज एबसेंट टूडे इज बिकॉज हर हस्बैंड इज इल तो इसका सेंटेंस जब हम देखेंगे तो इज क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब है लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आप क्या लिखते हैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको डिफरेंस पता होगा बिकॉज हर हस्बैंड इज इल तो ये आपकी एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन लेकिन मैंने बोला कि लिंकिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना पड़ता है एडजेक्टिव वो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट को ये वाली स्टेटमेंट क्या है एक्सप्लेन कर लिया द रीज़न इज इज लिंकिंग वर्ब है लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा द रीज़न इज दैट हर हस्बैंड इज इल एक बार आप सोच के देखिए दैट को हटाइए बिकॉज लिखिए द रीज़न बिकॉज हर हस्बैंड इज इल तो रीजन ऑलरेडी ये क्या है एडवाबोर रीजन यहाँ पे है तो आप इसके साथ इज के साथ आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव फ्रेज बनाइए दैट को लिखिए बिकॉज को ड्रॉप कीजिए वो आपका एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा तो बिकॉज इज यूज फॉर वन पर्टिकुलर रीजन आप इसको एडजेक्टिव एज ए यूज कीजिए जो कि की सब्जेक्ट को क्या कर रहा है डिफाइन तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नाइन्थ इज क्लाइम द माउंटेन्स क्रॉस द रिवर एंड अटैक द एनिमी तो ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसके बाद सेड द कमांडिंग ऑफिसर टू द सोल्जर्स ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है आपको क्या करना है नरेशन चेंज करनी है तो जब भी आपको नरेशन चेंज करने के लिए दी जाए यू हैव टू आइडेंटिफाई किस तरह का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है इंपेरेटिव है असर्टिव है गिवन स्टेटमेंट जो है ये आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस है आपको चेंज करना है नरेशन तो आपका ये डायरेक्ट नरेशन में है डायरेक्ट स्पीच में है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो जब भी इस तरह से आपको बदलना पड़े कि इंपेरेटिव सेंटेंस को आपको नरेशन चेंज करनी पड़े तो सैड टू जो आपका लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में और टू तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा जैसे सेट टू विल चेंज इन टू ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट डिपेंडिंग अपॉन इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसकी ज़रूरत है अब यहाँ पे देखूँ तो एक कमांडिंग ऑफिसर है ही विल कमांड और ऑर्डर तो यहाँ पे आप ऑर्डर का यूज़ कीजिए सो द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर द सोल्जर्स ऑर्डर द सोल्जर्स ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आएगा ऑर्डर द सोल्जर्स टू क्लाइम तो मैंने बोला इसके बाद आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करना है दे हैव टू यूज टू और नॉट टू एक कंजंक्शन नहीं यूज होगा आपका टू और नॉट टू यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप टू यूज किए टू क्लाइंब द माउंटेन क्रॉस द रिवर एंड अटैक द एनिमी दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टेंथ इज द टीचर सेट टू राकेश वट टाइम विल द ट्रेन अराइव फिर से आपको क्या है नरेशन चेंज करनी है कौन सी नरेशन है अभी अगर फाइंड आउट कर पाए तो आपको ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको जब भी चेंज करना है तो उसके चेंज करने के तरीके क्या हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे उसमें जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये इन्वर्टेड कोमा से पहले और ये है रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको सेट टू दिया है या फिर सेट दिया है वो आर्स में बदल जाएगा क्वेश्चन मार्क आपका ड्रॉप हो जाएगा उसके बाद इफ द क्वेश्चन बिगनस विद द हेल्पिंग वर्ब देन यूज इफ कंजंक्शन जैसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन अगर पूछा गया है लेकिन इसमें क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स नहीं वर्ड से पूछा गया है तो आप इसमें इफ़ यूज़ नहीं कर सकते और वेदर भी यूज़ नहीं कर सकते तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स तो डब्ल्यू का ही यूज़ करेंगे जैसे तो द टीचर सेट टू सेट टू ड्रॉप करेंगे क्या यूज़ करेंगे इसके अलावा आस्ट राकेश वट टाइम वुड द ट्रेन अराइव क्वेश्चन मार्क हमने लास्ट में ड्रॉप कर दिया है नेक्स्ट इज़ यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं आपको सेंटेंस में यूज करने हैं जिससे आपके फ्रेजल वर्ब का मीनिंग डायरेक्टली पता चल सके पुट अप विद पुट अप विद एक क्या है ट्रांजेटिव वर्ब है उसका मतलब है बियर पेशेंटली मतलब उसको सहन कीजिए पेशेंटली ये सेंटेंस फॉर्मेशन है वी हैड टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ नाइज व्हेन द चिल्ड्रन वर एट होम उसके बाद फॉल आउट लीव द लाइंस इसका मतलब है लीव द लाइंस द ट्रुप फेल इन एंड वर इंस्पेक्टेड आफ्टर द परेड ये इसका सेंटेंस है आप देख लीजिएगा मेक आउट का मतलब है डिस्कवर द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड सी हियर एटसेट्रा क्लियरली डील इन का मतलब है डील इन समथिंग टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट कॉलोन का मतलब है कॉलोन संबड़ी अब इसमें एक्जाम्पल है द प्रेजिडेंट कार्ड अपॉन इज पीपल टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ देयर कंट्री अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको प्रेपोजिशन के अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन में फिल करनी है पहला सेंटेंस है द रेलवे ट्रैक रन डैश द रिवर एंड द रोड तो आपको प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करनी है आपके पास बहुत है अलोंग अगेंस्ट कौन सी दिमाग में आएगी तो द रिवर एंड द रोड तो रिवर सपोज कीजिए दिस इज अ रिवर इसके अलोंग क्या है एक रेलवे ट्रैक और इसके अलोंग क्या है एक रोड तो ये जिक्जैक्ट फैशन में नहीं है एक दूसरे के पैरल चल रहे हैं तो वहां पर आपको अलोंग प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा जहां पर हिमालय तो के क्या, क्या है एक इंडो चाइना का बॉर्डर है दूसरी प्रपोजिशन है जैसे थ्रू एंड अक्रॉस अक्रॉस आप यूज कर सकते हैं जैसे ऑन द अदर साइड जैसे दिस इज अ रोड यहाँ पे आपका घर है आपसे कोई आया है पूछने कि उस रेस्टोरेंट का एड्रेस मुझे बता दीजिए देन यू विल से जैसे रेस्टोरेंट अदर साइड ऑफ द रोड है तो आप बोलेंगे यू नीड टू गो अक्रॉस द रोड तो अक्रॉस द रोड मीन्स आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा तो अक्रॉस ऑन द अदर साइड और साथ ही इसमें जैसे थ्रू है तो थ्रू का मतलब है जैसे गो वाइज समथिंग जैसे आप बोल सकते हैं कि द सन लाइट पासिस थ्रू द विंडो नेक्स्ट इज सिंस राजू वॉज डेज द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बैड कंपनी हिज पेरेंट्स वर ग्रेटली पर्टब्ड तो यहाँ पे अंडर अंडर जो प्रपोजिशन है उसकी कई मीनिंग है जैसे अंडर उसका मतलब है लोअर जैसे अंडर द टेबल अंडर द कवर ठीक है कोई भी वर्टिकल पोजिशन को आपको बताना है डिनोट करना है लेकिन इसका एक मीनिंग और है क्या है अनडिजायरेबिलिटी कि राजू सिंस राजू वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी मतलब इट वॉज अनडिजायरेबल हिज पेरेंट्स वर ग्रेटली प्रटर्ट बहुत ही डिस्टर्ब थे नेक्स्ट इज वाइज वॉकिंग डैश द डोर शी हर्ट हर हेड अब वॉकिंग यहाँ पे आप टू जो प्रपोजिशन है वो यूज़ करनी पड़ेगी इसका मतलब है प्लेस विद डायरेक्शन यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स समथिंग आपको डिफाइंड है मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ जैसे एक एग्जाम्पल दूँ सी ब्रीज ब्लोज टूवर्ड्स द हिमालयस ये एक डायरेक्शन भी है तो आप टूवर्ड्स प्रपोजिशन इसमें यूज़ कीजिए नेक्स्ट इज नोबडी डाइज ए बैड कोल्ड अब यहाँ पे आपको जैसे डाइज जो डाइजोशन ये वर्ब है या इंट्रांटिव वर्ब है इंट्रांटिव वर्ब का मतलब है जिसमें आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं होता जैसे ही डाइड देम तो ही ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे डाई जो वर्ब है वो एक हैपनिंग है इसमें एक्शन नहीं है ही डाइड अगर उसके बाद डाई वर्ब के बाद जो कि ट्रांजेटिव वर्ब है आपको कभी भी ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़े तो आपको उसमें बीच में क्या लिखनी पड़ेगी प्रपोजिशन तो ही डाइड प्रपोजिशन ही कन्वे करेगी उसका मेन मीनिंग क्या है ही डाइड विद दैम या ही डाइड फॉर दैम ही डाइड बिफोर दैम ही डाइड आफ्टर दैम बिकॉज दैम कौसा भी आप प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पर डिफाइन करेगी लेकिन किल्ड क्या है किल्ड आपके एक ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आपका सब्जेक्ट ही डूअर होता है जैसे ही किल्ड होम उसके साथ आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं उसमें प्रपोजिशन यूज मत कीजिए तो यहाँ पर जैसे डाइज इन ट्रांजेटिव वर्ब है आपको कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है फ्रोम तो फ्रोम क्या है कन्वे करेगा मीनिंग नोबडी डाइज फ्रॉम अ बैड कोल्ड तो एक तरीका है अब जैसे दे सफर्ड ह्यूज लॉस इन बिजनेस तो सफर्ड एक ट्रांजेटिव वर्ब है ठीक है उसका मतलब जब भी होता है टू इनकर लेकिन सफर्ड एक इफेक्ट भी है जब इसका मतलब इफेक्ट है तो उसमें एक रीजन दिखेगा जैसे दे सफर फॉर देयर रॉन्ग डिसीजन लेकिन दे सफर जब एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होगा तो आप उसमें बीच में कोई प्रपोजिशन मत यूज़ कीजिए नेक्स्ट इज डॉक्टर पंडित इज एन अथॉरिटी डैश ऑन मैथामेटिक तो समवन हु इज एन अथॉरिटी ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका मतलब है उनको उस बारे में बहुत ज्यादा पता है सो डॉक्टर पंडित इट इज एन अथॉरिटी ऑन मैथमेटिक्स जैसे ही इज़ यूनिवर्सली रिकोगनाइज एन अथॉरिटी ऑन रशियन अफेयर्स तो रशियन अफेयर्स पे ही इज एन अथॉरिटी ही नो टू मच अबाउट ऑन रशियन अफेयर्स तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं तो एक और इन्फॉर्मेशन है अगर आपको एस राइटिंग सीखनी है फॉर सी एफ एग्जाम यू कैन गो ऑन दिस प्ले लिस्ट यहाँ पर मोर देन ट्वेंटी टू वीडियोज़ हैं ऑलरेडी आप इस पर जाके बहुत सारे मॉडल आंसर्स प्रीवियस ईयर जो जितने भी एस के मॉडल आंसर्स है विद डिस्कशन आप थ्री हंड्रेड वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं यू कैन गो ऑन दिस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट यहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरह से आंसर राइटिंग सीख सकते हैं एंड अगर आपको ओपन टेस्ट भी अटैम्प्ट करने हैं सी पी एग्जाम के लिए यू नीड टू डाउनलोड ऑन दिस ऐप यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑलरेडी वी हैड कंडक्टेड अराउंड टेन ओपन टेस्ट यहाँ से आप वहाँ पे उनके मॉडल आंसर और डिस्कशन वीडियो एक्सेस कर सकते हैं एंड इफ यू वांट टू पीडीएफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सो थैंक यू